प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए निकल चुका हूँ मैं रोड पर, और यहाँ पर और भी जो भी कई सारे मंदिर हैं उन सभी जगहों पर जाएंगे और दर्शन करेंगे और आपको भी दिखाएंगे और दर्शन करेंगे। तो चलते हैं, ढूंढ रहा हूँ अभी मैं कुछ ई रिक्शा वगैरह कुछ मिल जाए जिससे मैं पहुँच सकूँ मंदिर तक। अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ तक पहुँचना अब काफी आसान हो चुका है क्योंकि यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है और दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज से बस की काफी अच्छी सुविधा भी है। बैक साइड में आप देख रहोगे अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन है जिसका पहले नाम अयोध्या जंक्शन हुआ करता था। पहले ये इतना बड़ा नहीं हुआ करता था, ये आप देख रहोगे पूरा पीछे बड़ी बड़ी पिलर्स वाला पूरी ये बड़ी सी रूफ और ये गुंबद पूरा बना हुआ है। मंदिर की पूरी शेप में इस स्टेशन को बना दिया गया है। इसके अलावा भी यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है फैज़ाबाद जंक्शन, जो कि चेंज हो गया है अयोध्या कैंट के नाम में। तो यहाँ पे दो मेन रेलवे स्टेशन है, इसके अलावा नया घाट वगैरह भी है, वहाँ पे भी आ सकते हैं। अयोध्या जी में सभी इम्पोर्टेंट प्लेसेस आसपास में ही हैं और यहाँ श्री राम जन्मभूमि का मंदिर अयोध्या धाम स्टेशन से केवल 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है, जहाँ आप बाय ई रिक्शा या पैदल ही पहुँच सकते हैं। लेकिन श्री राम जन्मभूमि पथ स्टेशन से 0.5 किलोमीटर दूर से ही शुरू हो जाता है। श्री राम जन्मभूमि का जो मेन गेट है वो रहा आपके सामने, ये रहा मेन गेट। अभी भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जो कि जल्दी ही पूरा हो जाएगा, और ये जानते हैं इसके अंदर जाके कि अभी क्या क्या चीज़ें हैं और बैग वगैरह का क्या होगा सिस्टम, कैमरे वगैरह का क्या है, सब चीज़ आगे जानते हैं। जैसा कि सभी बड़े मंदिरों में होता है, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं ले जा सकते हैं, तो आप यहाँ पर लॉकर पर रख सकते हैं। जैसे ही आप गेट पर आते हैं, गेट पर ही ये निःशुल्क लॉकर की सर्विस है जहाँ पर आप अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह जो भी है वो सब कुछ रख सकते हैं। तो टाइमिंग जो है टेम्पल की वो आप देख लो, यहाँ पर लिखी हुई है सुबह 7 बजे खुल जाता है और 11:30 बजे तक खुला रहता है, और फिर उसके बाद दोपहर में 2 बजे से शाम को 7 बजे तक मंदिर खुला रहता है। तो ये टाइमिंग है, इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर लें। बाकी आरती की क्या टाइमिंग होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और उसका क्या तरीका होता है क्योंकि पास के थ्रू होता है वो भी मैं बताता हूँ आगे। श्री राम जन्मभूमि में 2 बार आरती होती है, पहली सुबह 6:30 बजे और दूसरी शाम को 7:30 बजे, और दोनों ही आरती के लिए आपको ऑनलाइन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की वेबसाइट पर जाना होता है, जहां से आप अपने पास रिजर्व कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए यहां फ्री व्हीलचेयर की भी फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आपने मेरी अयोध्या की पिछली वीडियो देखी होगी जो कि लगभग 3 साल पुरानी है, जब अयोध्या जी का यहाँ पर भूमि पूजन हुआ था उस टाइम की, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे होगे ना, ये गली जो है ये केवल इतनी सी थी, मतलब अगर आप वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा केवल इतनी सी थी, और ये सब चीज़ थी उस टाइम भी। और अभी ये देखो आप कितनी सारी चीज़ें, कितनी चौड़ी हो गई है ये, और अभी ये सब अभी दुकानें इधर भी बन रही हैं जिस तरह से इधर बनी हुई है, तो मतलब बहुत ग्रैंड लेवल पर यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिला और 3 साल में पूरी तस्वीर ही बदल गई है यहाँ की। अयोध्या जी में आपको होटल श्री राम जन्मभूमि के आसपास 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में लेना चाहिए, और यहाँ आसपास में ऐसे कुछ होटल्स और धर्मशाले अवेलेबल भी हैं, लेकिन यहाँ पर अभी होटल्स की कमी है और कई होटल अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। अयोध्या जी में मेरे होटल का रूम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा रूम, डबल बेड रूम है, एयर कंडीशन है, चूँकि यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है इस वजह से एयर कंडीशन रूम आपको लेना चाहिए। तो रूम का प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, नाम भी बता देता हूँ। होटल का रूम अयोध्या जी का जो राम मंदिर है उससे 2 किलोमीटर से कम की रेंज में ही है, नया घाट है उसके पास में है। दूसरी चीज़ प्राइस जो है वो आप बिल्कुल भी कंसिडर मत करना कि इस प्राइस में अभी आपको इनॉग्रेशन के अगले 2 महीने तक में मिल जाएगा,
मुझे जो मिला है वो 1500 पर नाइट टू एडल्ट्स के लिए ये मिला है। मैंने एक महीने पहले एडवांस में बुकिंग कराई है तब ये प्राइस मिला है, अदरवाइज़ ये अभी आप बुक कराओगे तो शायद 2000, 3000, 4000 या फिर अवेलेबल भी ना मिले, क्योंकि अवेलेबिलिटी का भी बहुत इशू आ रही है। धर्मशाला वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन बस वही बात है कि ये आने वाले जो 2 महीने या 3 महीने इसमें अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी, क्योंकि अगर उसमें अवेलेबल हो जाएगा तो शायद आपको 500 रुपये में भी धर्मशाला वगैरह में रूम मिल जाए या कम में भी मिल जाए, बट अवेलेबल ही नहीं होगा तो आप कहाँ जाओगे। तो इसलिए यही कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिन आप वेट करें, इनॉग्रेशन के 2 महीने 3 महीने बाद, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आपको रेट भी कम मिलेंगे और अवेलेबिलिटी भी आसानी से हो जाएगी। और अगर आप प्लान कर भी रहे हैं तो ऑनलाइन में एडवांस में बुकिंग करवा कर आए। अब मैं जाने वाला था श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने, लेकिन उसके पहले मैं गया यहाँ के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के अलावा जो दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है वो है यहाँ का हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी एक पूरा किला रूपी मंदिर है, और अगर आप उधर देख रहे होंगे तो कुछ किला जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख भी जाएगा, दूर से भी जब आप रोड पे जाते हैं तो कुछ किले जैसा दिखता है। तो ये मंदिर किले जैसा क्यों है, क्योंकि हमारे हनुमान जी है जो ना वो यहाँ पर प्रहरी के रूप में खड़े हैं, और जो जन्मभूमि का रास्ता जाता है वो इसी रास्ते पे जाता है। सीधा जो जाता है रास्ता दशरथ महल के लिए, इधर जो जाता है वो जाता है यहाँ पर आपके कनक भवन के लिए, और इधर अगर आप चले जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे श्री राम जन्मभूमि पर। तो शुरुआत आप अपनी जर्नी की यहीं से कर सकते हैं, और ये रहा हनुमानगढ़ी, और करते हैं प्रभु हनुमान जी के दर्शन। हनुमानगढ़ी मंदिर में फिलहाल आप कैमरा, मोबाइल जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ले जा सकते हैं, और यहाँ भी दर्शन के लिए अच्छी खासी भीड़ लग जाती है, इसलिए सुबह सुबह ही यहाँ के भी दर्शन आप कर लें और फिर श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएं। मंदिर सुबह 6-7 बजे के बीच खुलता है और 11 से 12 के बीच बंद हो जाता है, और फिर इवनिंग में 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला होता है। हनुमानगढ़ी में जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर पूरा सीताराम, सीताराम की धुन में एकदम सराबोर ये जगह रहती है, और बढ़िया भजन कीर्तन भी यहाँ पर बाहर चलता रहता है। और मंदिर में फिलहाल आरती होने वाली है, खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, भक्त खड़े हैं यहाँ पर दिए भी ये जलाते हैं। और मंदिर का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप यहाँ पर पूरी इमारत में नक्काशी बनी हुई है देवी देवताओं की, और इधर आप पूरी दीवारें अगर देखेंगी तो हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, आरती बजरंग बली की सब यहाँ पर लिखा हुआ है, और बहुत ही प्यारा सा यह मंदिर है पूरा। यहाँ पर मतलब आएंगे आप तो भक्तिमय वातावरण है, ऐसा कुछ यहाँ पर है। हनुमानगढ़ी मंदिर में जब आप एकदम ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको अयोध्या पूरी यहाँ पर आपके सामने दिखाई देती है, खूबसूरत सी। ये वो गली है, वो ऐतिहासिक गली है जहाँ से आप सारे मंदिरों में दर्शन करने के लिए निकलते हैं। यहाँ पर हमारे हनुमानगढ़ी जी का मंदिर है, और उधर आप देखोगे तो पार्क वगैरह भी बना है, तो कुछ ऐसा दिखता है ऊपर से अयोध्या। हनुमानगढ़ी मंदिर से श्री राम मंदिर केवल 0.5 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित है, और ये पूरा रास्ता एक ही रंग की अलग अलग दुकानों में सराबोर दिखेगा। श्री राम जन्मभूमि में अब मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए, देखते हैं कितना टाइम लगता है दर्शन करने में, क्योंकि भीड़ भाड़ तो है ही, शोरगुल उतना ही है, लेकिन दर्शन करने आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे, और अंदर कैसा स्ट्रक्चर है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें मैं आकर दर्शन करके आपको बताता हूँ। तब तक के लिए मोबाइल और कैमरा मैं जा रहा हूँ लॉकर में डिपॉजिट करने। श्री राम मंदिर के पास लोकल शॉपकीपर भी 20-30 रुपए में लॉकर प्रोवाइड करा देते हैं, और मंदिर में एंट्री का फिलहाल एक ही गेट ओपन था। यहाँ रूफ्स तैयार किए जा रहे हैं ताकि भक्तों की लंबी लाइन को धूप में खड़ा ना होना पड़े। तो भाई रामलला के अपने दर्शन हो गए हैं, और दर्शन करके सच में बहुत ही मजा आ गया। अब पूरा मैं एक जो वृत्तांत है ना मेरे दर्शन का वृत्तांत वो आपको बता देता हूँ। दर्शन करने के लिए सबसे पहले जैसे ही आप जाते हैं तो आपकी चेकिंग होती है, कुछ सामान वगैरह तो नहीं है क्योंकि बैग वगैरह सब चीज़ जमा हो ही जाते हैं आपके, और जो चेकिंग के लिए अभी भी बूथ वगैरह बने हुए हैं वो अभी भी टेम्प्रेरी टाइप के हैं, तो धीरे धीरे वो भी सही हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर टेम्प्रेरी है।
अब धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के फिर आपके रामलला के दर्शन भी हो जाते हैं मंदिर में एंटर करने के बाद। और रामलला यहाँ पर छोटे से बिल्कुल बाल रूप में है और देखेंगे तो आपका भी मन खुश हो जाएगा। तो दर्शन हो गए उसके बाद फिर उसके बाद आप अंदर थोड़ा टाइम बिता के बाहर आ सकते हैं। तो ओवरऑल इस तरह का कुछ रहेगा और प्रसाद भी आपको मिलता है। प्रसाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है प्रसाद। यहाँ पर पूरी वानर सेना प्रसाद के लिए खड़ी रहती है, तो जो बंदर वगैरह है उनसे बचा के रखें और दे भी दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह का कुछ था। अब यहाँ पर मंदिर की बात की जाए तो मंदिर में अभी भी बहुत सारा काम बाकी है और आने वाले आप ऐसे समझ लो कि साल भर लगेंगे और उसके बाद फिर आपका यहाँ पर जो मंदिर है ना वो आसपास जो बाकी भी चीज़ें हैं वो पूरी तरह से तैयार हो पाएंगी। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि बहुत जल्दीबाजी ना करें, आराम से आप आएँ। ऐसा नहीं है कि 22 तारीख को मंदिर ओपन हो गया तो 22 को ही आप आएँ, 23 को आएँ, 24 को आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन एक महीना लेकर आराम से थोड़ा उसके बाद आएँ ताकि भीड़ भी थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि शुरुआत में यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ लगेगी। और दूसरी बात ये भी है कि जो दर्शन करने में टाइम वगैरह लग रहा है घंटे भर भी लग सकते हैं, 2 घंटे भी लग सकते हैं, ऐसा बनाया गया है यहाँ पर पूरा, इतना सुगम किया गया है कि आप जल्दी दर्शन कर लें। लेकिन जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो क्या ही करेंगे, टाइम तो लगेगा ही, तो कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि कितना टाइम लगेगा। बाकी आप आए प्रभु श्री राम का नाम लेके और थोड़ा डिले करके आए, और ताकि आपको यहाँ पर जो चीज़ें अभी बन भी रही हैं, अभी स्ट्रक्चर जो तैयार हो रहे हैं वो पूरे कम्प्लीट हो जाए। तब तक जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि के बाद आप दशरथ महल में दर्शन के लिए जा सकते हैं, जो कि हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के बीच रास्ते में ही पड़ता है। आ चुका हूँ मैं प्रभु श्री राम जी के पिताजी दशरथ जी के महल में। ये रहा दशरथ जी का महल, अभी अंदर हम जाते हैं। और कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आपको कि अभी यहाँ पर आपको यहाँ पे जो ये मंदिर हैं, चाहे वो दशरथ भवन हो चाहे कनक भवन हो महल हो, वो सभी जगहों पे आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले अभी पूरा फोकस है कि श्री राम जी का जो मंदिर है, जन्म स्थान है, वो जन्मभूमि है, वो पूरी हो जाए और उसके बाद फिर उसके बाद यहाँ पर भी धीरे धीरे हाथ लगेगा। दशरथ महल सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ओपन रहता है और फिर शाम 4 बजे से रात को 8:30 बजे तक ओपन रहता है। अयोध्या में लगभग सभी मंदिर दोपहर में बंद रहते हैं और इस दौरान आप यहां पर अपना लंच कर सकते हैं। अयोध्या में अब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन हो गए हैं, तो खाने पीने के तो कई सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे और सस्ते से लेके आपको अच्छे तक, मतलब महंगे तक वाले, वो सभी ऑप्शन मिलेंगे। फिलहाल एक दुकान में मैं आया हूँ, 100 रुपये से कम में ही आपको डोसे वगैरह मिल जाते हैं, तो हाँ बिना लहसुन प्याज का यहाँ पे मिल जाता है। कितने का है ये? 70 रुपये का। तो 70 रुपये में आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। तो ये कनक भवन के बगल में ही है, मधुरम रेस्टोरेंट नाम है। हाँ अभी बंद है मंदिर। दशरथ महल से केवल 2-3 मिनट पैदल दूरी पर ही है कनक भवन। तो भाई भगवान श्री राम की जन्मभूमि तो यहाँ पर है ही, उसके साथ यहाँ पर दशरथ जी का महल भी है जहाँ पर भगवान श्री राम अपने पिता के साथ शायद खेला कूदा करते होंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर वो स्थान भी है कनक भवन, जहाँ पर श्री राम जी माता सीता के साथ रहा करते थे। ये है कनक भवन और इस येलो सी इमारत में ही हमारे प्रभु श्री राम सीता जी के साथ निवास किया करते थे। इस जगह की टाइमिंग मैं बता देता हूँ, मंदिर खुल जाता है सुबह लगभग 9 बजे और 11 बजे बंद हो जाता है, फिर उसके बाद इवनिंग में 4 बजे के करीब खुलता है और रात को 9 बजे तक खुला रहता है। तो इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप अपना प्लान बनाएं और फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएं। जय श्री राम। करते हैं दर्शन कनक भवन में माता सीता और राम जी के। कनक भवन में अंदर आते ही आपको एक आंगन दिखाई देता है जहाँ पर हवन कुंडी है और भगवान के दर्शन के बाद आप यहाँ बैठकर बस भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। शाम हो चली है और शाम जैसे जैसे ढलती है लोगों के कदम बढ़ने लगते हैं यहाँ के घाट की तरफ, क्योंकि यहाँ पर घाट पर होती है आरती। चलते हैं वो भी देखते हैं। श्री राम जन्मभूमि से मात्र 10 रुपये में आपको ई रिक्शा मिल जाती है और ई रिक्शा के थ्रू आप पहुँच सकते हैं घाट पर।
अयोध्या जी में ऐसे कई सारे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां आप बढ़िया से फोटोग्राफ्स क्लिक करवा सकते हैं। आ गया हूं मैं अयोध्या जी के घाट पर भी, और घाट का नज़ारा कुछ ऐसा है, सजी धजी सी यहां पर नाव है, तो आप यहां पे नौका की सवारी भी कर सकते हैं, उसका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। और यहां पर अगर देखेंगे तो लोग नहा भी रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और पूजा पाठ भी सुबह होती है, जो चौकियां लगी हुई है तो पूजा पाठ भी होती रहती है, तो ब्राह्मण पंडित यहां पे बैठे भी होते हैं, तो वो भी आप यहां पर पूजा पाठ भी कर सकते हैं। 5:30 बजे के आसपास मुझे पता चला है कि आरती होती है, एग्जैक्ट टाइम जब शुरू होगी तो मैं आपको बता दूंगा, और उसके बाद लेज़र शो भी होता है ऐसा भी पता चल रहा है, सब देखते हैं। साल 2020 में जब मैं आया था तो ये राम की पैड़ी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, हो रही थी उस टाइम भी काफ़ी कुछ हो चुका था काम, और अभी भी कुछ कुछ काम तो चल ही रहा है। और जब दीपोत्सव के टाइम में मैं आया था तो ये पूरा जो जगह है ना, ये पूरा दियों से सजा हुआ था। फिलहाल यहाँ पर दिए तो नहीं हैं, पर लोग यहाँ पर अभी भी हैं, क्योंकि यहाँ पर शाम को आना, शाम को बैठना, वो पूरा मंदिर वाला जो लुक होता है ना, वो यहाँ पर पूरा आपको दिखता है, पूरा भाव यहाँ पर होता है। और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, यहाँ पे सच में सुकून ही मिलता है। पास में ही सरयू नदी भी है, बीच में यहाँ पर भी सरयू नदी का पानी बहता रहता है, तो इस जगह पर राम की पैड़ी पर आपको आना ज़रूर चाहिए। यहाँ घाट पर आप करीब 5 बजे पहुँच जाएं, क्योंकि यहाँ पर 6 से 7 बजे के बीच शाम में आरती होती है, जिसको देखना एक आध्यात्मिक अनुभव के जैसा होता है। आरती के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पर देख रहे होगे, आपके सामने है, पीछे सारे लोग हैं, और बढ़िया प्यार से सब आरती देख रहे हैं, और ये पूरी आरती हो रही है हमारे यहाँ पे सरयू नदी की, तो इस आरती का हिस्सा आप जरूर बने। आरती हो गई है, आरती के बाद सीधे आप अपने कदम बढ़ा लीजिए राम की पैड़ी की तरफ, क्योंकि दूर आपको दिख रहा होगा लाइट शो शुरू हो गया है। बस मैं भी वहीं पे बढ़ रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। अंधेरा बहुत है, बट इस अंधेरे की ज़रूरत है, क्योंकि अंधेरे में ही तो ये प्यारा सा खूबसूरत सा लेज़र लाइट और ये प्रेजेंटेशन दिखाई देती है। ये फाउंटेन शो भी है यहाँ पर, मतलब क्या ही बताऊँ, इवनिंग में यहाँ पर एक ऐसा माहौल होता है ना, जो आप चाहे अपने परिवार के साथ आएँ, चाहे दोस्तों के साथ आएँ, सबके साथ एक यादगार अनुभव आपको देकर जाता है। क्या बात है, ये है प्रभु श्री राम जी की दुनिया, जय श्री राम। अंधेरे में ही सही उजाला तो वही जाता है राम नाम लेने पर ही। थोड़ा आइटनरी क्या हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास अगर एक दिन है अयोध्या जी में, तो आप यहाँ की सारी प्लेसेस कवर कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेन प्लेसेस हैं, और शुरुआत कैसे कर सकते हैं वो बता देता हूँ। सुबह सुबह आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं यहाँ पर आरती से। आरती यहाँ पर होती है सुबह 6:30 के आसपास होती है, तो आप श्री राम जन्मभूमि में जाकर आरती देख लें, फिर उसके बाद हनुमानगढ़ी में दर्शन कर लें, फिर दशरथ महल चले जाएं, और फिर कनक भवन। ये पूरा आपका प्लान हो सकता है। फिर उसके बाद आप दिन में दो और जगह है, इम्पोर्टेंट जगह जो लोग नहीं बताते, थोड़ा सा दूर है, वहाँ जा सकते हैं। एक तो है गुप्तारगढ़, दूसरा है सूरज कुंड। सूरज कुंड में इवनिंग में 8 बजे के करीब लेजर शो, लाइट शो भी होता है, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। बाय द वे, इवनिंग में राम की पैड़ी पर आप आ सकते हैं, और यहाँ पे घाट पे आरती देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक दिन में अयोध्या जी में सारी प्लेसेस आसानी से कवर हो जाएगी। अभी आप देख रहे होगे ठंड बहुत ज़्यादा है, पूरा फॉग हो रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से यही बेस्ट टाइम है यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गर्मी भी बहुत पड़ती है, ठंडी भी पड़ती है बहुत, लेकिन जो ठंडी होती है वो सहने लायक होती है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो बेस्ट टाइम आपके लिए रहेगा कि आप यहाँ पर आ जाएं अक्टूबर से लेके मार्च तक के बीच में, इस पीरियड में तो आप आसानी से यहाँ पर दर्शन कर लेंगे। अब यहाँ पर ख़र्चा क्या लग सकता है, होटल की बात अगर अभी करंट सिनेरियो में कहा जाए तो कोई भी फिक्स रेट कुछ नहीं है, कोई 2000 बोल रहा है, कोई 3000, कोई 4000 भी बता रहा है, मतलब और रेट के लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी इनका पूरा पीक सीज़न चल रहा है, और अभी जो भी रेट लग रहा है लोग बता दे रहे हैं।
तो जनरल आप 2 से 2500 रुपये माइंड प्रिपेयर करके आए कि एक एवरेज होटल के लिए आपको देना पड़ सकता है। खाने पीने के लिए तो आपका वही बहुत होगा, 500 से 700 रुपये का खर्च आएगा, और ट्रांसपोर्टेशन पर आपका जो खर्च आएगा वो लगभग यहाँ पर 100 रुपये में ही काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ई रिक्शा में से ही आप आसपास 10-10 रुपये दे के घूम सकते हो, कुछ भी नहीं है। तो इतना सब करने में आपका टोटल ओवरऑल खर्चा, होटल का मेजर खर्चा है 2000 रुपये में यहाँ पर घूम सकते हैं, क्योंकि दो लोग मान के चल रहा हूँ कि होटल में रुकेंगे। अब कैसे बचा सकते हैं, आप यहाँ पर सुबह आएँ, सुबह दर्शन वर्शन करें और पूरा जो प्लान बताया उस प्लान को फॉलो करें, और इवनिंग में आप यहाँ से निकल सकते हैं बिना होटल लिए। इस तरह से आप यहाँ पे शायद 500 रुपये में भी दर्शन करके वापस अपने घर जा सकते हैं, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा प्लेसेस तो यहाँ पे है भी नहीं। सो ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन थी, और डिटेल में भी और इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी ट्रैवल कंसल्टेंसी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर घाट पर आना ना भूलें, यहाँ की आरती देखना ना भूलें, हर चीज़ की यहाँ पर फीलिंग है, और मतलब पूरा ये राममय वातावरण यहाँ पर चलता रहता है। सो मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, जय श्री राम।